हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय के भाग 8 को पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी कहते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना केंद्रीय समस्या मूल रूप से 3 भागों में बटी है, जैसे संसाधनों से क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्या क्या उत्पादन किया जाए को समझने का एक रेखांकित माध्यम है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए इस बात से संबंधित है कि किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे रोटी, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, यातायात के साधन, या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, जैसे ट्रैक्टर, टैंक, मशीनें, औजार इत्यादि। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र को कैसे परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध तकनीक और दिए गए संसाधनों के पूर्ण उपयोग से किया जा सकता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए बहुत सी पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं और उत्पादन संभावना वक्र इन्हीं अवधारणाओं या मान्यताओं पर आधारित है। चलिए दोस्तों, इन मान्यताओं को एक एक करके जानते हैं। पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन सभी की मात्रा निश्चित यानी कि फिक्स है। संसाधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, ना तो अर्थव्यवस्था में संसाधन बढ़ते हैं और ना घटते हैं। दोस्तों, दूसरी मान्यता यह है, अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलता पूर्वक प्रयोग हो रहा है। दोस्तों, इसका अर्थ यह हुआ कि अर्थव्यवस्था में कोई भी संसाधन बेकार या व्यर्थ नहीं पड़ा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्पादन की प्रक्रिया में कोई भी संसाधन कुशलता पूर्वक इस्तेमाल ना हो रहा हो। दोस्तों, तीसरी मान्यता यह है कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उत्पादन की तकनीक स्थिर रहेगी। दोस्तों, अगर उत्पादन की तकनीक बदलती है, अर्थात श्रम प्रधान तकनीक से पूंजी प्रधान तकनीक में परिवर्तित हो जाती है, तो उत्पादन की गई वस्तुओं की मात्रा परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र की अंतिम मान्यता है कि संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं है। इसका अर्थ यह है, अगर कुछ श्रमिक ट्रैक्टर बनाने में कुशल है और यह एक दिन में एक ट्रैक्टर बनाते हैं, तो उन्हें अगर ब्रेड बनाने के कार्य में यानी उपभोक्ता वस्तु बनाने के कार्य में लगाया जाए, तो वह समान अनुपात से उपभोक्ता वस्तु यानी ब्रेड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनकी कुशलता ट्रैक्टर बनाने में है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची व वक्र के बारे में। दोस्तों, उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या को सरल करने के लिए मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों से केवल दो वस्तुओं ट्रैक्टर और गेहूं का उत्पादन करती है। सीमित साधनों और दी हुई तकनीक से दोनों वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं इस अनुसूची में दिखाई गई है। दोस्तों, यह उत्पादन संभावना अनुसूची है, जिसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादन की संभावनाएं गेहूं और ट्रैक्टर के बीच दिखाई गई है।
दोस्तों, इस तालिका के उत्पादन संभावना वक्र को इस लेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है, जहां Y अक्ष पर ट्रैक्टर है और X अक्ष पर गेहूं दिखाए गए हैं। गेहूं की मात्रा लाख टन में है और ट्रैक्टर की मात्रा हजार में है। दोस्तों, PP वक्र या उत्पादन संभावना वक्र AF पर विभिन्न बिंदुए A, B, C, D, E और F दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजनों को दर्शाती है, जिसमें से देश को चुनाव करना होता है। यदि अर्थव्यवस्था अपने समस्त संसाधनों से केवल गेहूं के उत्पादन पर लगती है, तो गेहूं की OF मात्रा जो 5 लाख टन है उत्पादित कर सकती है, परंतु ट्रैक्टरों का निर्माण इस स्थिति में बिल्कुल नहीं होगा। इसके विपरीत, यदि समस्त संसाधन केवल ट्रैक्टर बनाने पर लगा दिए जाएं, तो ट्रैक्टरों की AO मात्रा जो 15,000 है निर्माण होगी, परंतु गेहूं का उत्पादन इस स्थिति में बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, ये दोनों तो अति दूर की संभावनाएं हैं। इन दोनों के बीच एक विकल्प यह है कि कुछ संसाधन गेहूं के उत्पादन में और कुछ ट्रैक्टरों के निर्माण में जुटाए जाएं। ऐसी स्थिति में उत्पादन की अनेक संभावनाएं हो सकती हैं, B, C, D और E। बिंदु B पहली संभावना है, जिसके अंदर उत्पादन के साधन ट्रैक्टर में ज्यादा जुटाए गए हैं और गेहूं के उत्पादन में कम। बिंदु C दूसरी संभावना है। बिंदु D तीसरी संभावना है। बिंदु E चौथी संभावना है, जिसमें ज्यादा उत्पादन के संसाधन गेहूं के उत्पादन में लगाए गए हैं और ट्रैक्टर के उत्पादन में कम उत्पादन के साधन लगाए गए हैं। दोस्तों, बिंदु A, B, C, D, E और F को मिलाने से उत्पादन संभावना वक्र बनता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या मान्यताएं या अवधारणाएं अर्थव्यवस्था में प्रचलित है, और उत्पादन संभावना अनुसूची व वक्र। दोस्तों, अगली वीडियो में हम उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।